एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। वेरी वेरी गुड इवनिंग। राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? सेशन को कर लीजिएगा ज्वाइन। करते हैं क्लास की शुरुआत। आपकी हरियाणा जीके की क्लास बहुत ही अच्छी, बढ़िया, शानदार होने वाली है, तो एक बार जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों का एग्जाम है 30 और 31 दिसंबर को, या आने वाले समय में चाहे जनवरी में पेपर हो आपका, या हरियाणा पुलिस का आप एग्जाम देने जाओगे, हरियाणा के सभी एग्जाम्स में ये जो क्लास है बेटा, आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो आप सभी बच्चे सेशन को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, फिर हम करते हैं यहाँ पर सेशन की शुरुआत। ठीक है, एक बार जल्दी से आ जाइएगा, फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए, और सभी सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सेशन की शुरुआत करते हैं, देखिएगा पहले क्वेश्चन के साथ कि हरियाणा के रोहतक में, ये सभी के सभी पीवाईक्यू है, चाहे एएलएम के एग्जाम में आया होगा, ठीक है भाई, स्टाफ नर्स के पेपर का आपका जो है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एएनएम के एग्जाम का, एमपीएचडब्ल्यू फीमेल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू ही लिए हैं आज के सेशन में। सभी आंसर दीजिए, क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो आप कहेंगे कि राजा नाहर सिंह, ठीक है, राजा नाहर सिंह की बात करें तो इन्होंने फरीदाबाद से नेतृत्व जो है आपका किया था। कहां से नेतृत्व किया है बेटा? इन्होंने फरीदाबाद से नेतृत्व जो है आपका किया। दूसरे नंबर पे नाम है हसन अली खान मेवाती, ठीक है भी, तो इन्होंने जो है आपका यहाँ पर आप कहोगे हसन अली खान मेवाती, और मेवात से एक सदरुद्दीन का नाम भी आता है, याद रखिएगा। ठीक है भी, किसका नाम आता है मेवात से? सदरुद्दीन, ठीक है, तो लिख लीजिएगा 1857 की क्रांति में मेवात से सदरुद्दीन के द्वारा नेतृत्व जो है आपका किया गया था। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे रिसालदार बिसारत अली खान, तो रोहतक से क्रांति का नेतृत्व बिसारत अली खान के द्वारा ही किया गया। नवाब अब्दुल रहमान खान ने झज्जर से नेतृत्व किया था। कहां से किया था बच्चे? झज्जर से किया। आपसे पूछेगा, बताइए पानीपत से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? तो पानीपत से किया गया इमाम अली कलंदर के द्वारा, ठीक है भाई, किसके द्वारा किया गया? तो आप कहोगे कि इमाम अली कलंदर के द्वारा नेतृत्व जो है आपका किया गया था। ठीक है, इतना बताइए, इतना अगर आपको क्लियर हो तो फटाफट से बता दीजिएगा, जल्दी से बताइए। वेरी वेरी गुड, पहला क्वेश्चन समझ में आया। रिधान खत्री और रोमन भाई, पढ़ाई कर लो प्लीज, है ना, क्लास के बाद बातें कर, पढ़ाई कर लीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा आप सभी। ठीक है, पानीपत से इमाम अली कलंदर, वेरी वेरी नाइस, ठीक है, वेरी वेरी गुड। आगे चलते देखिएगा, राजा प्रभाकर वर्धन के समय, या फिर राजा प्रभाकर वर्धन के शासन के तहत वर्धन राजवंश की राजधानी कौन सी थी, बताइएगा। आपको ये बताना है कि वर्धन राजवंश की राजधानी कौन सी थी, उत्तर दीजिए। सभी आंसर देंगे कि वर्धन राजवंश की राजधानी कौन सी आएगी, तो आप कहोगे, देखिएगा यहाँ पर वर्धन वंश की राजधानी, जब यहाँ पर राजा प्रभाकर वर्धन थे तो कौन सी थी बेटा? आपकी थानेसर थी। कौन सी थी आपकी? थानेसर। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद जो यहाँ पर राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा, लेकिन उसकी हत्या कर दी जाएगी, तो उसके बाद राजा हर्षवर्धन गद्दी पर बैठेंगे। राजा हर्षवर्धन ने थानेसर से राजधानी को शिफ्ट किया था, कहां पर? आपके कन्नौज में, ठीक है भी, थानेसर से राजधानी क्या की गई थी आपकी? शिफ्ट की गई थी किसके द्वारा? राजा हर्ष के द्वारा, ठीक है, राजा हर्षवर्धन के द्वारा। तो लिख लीजिएगा क्या आंसर आएगा फिर आपका, कन्नौज। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आंसर आ जाएगा? थानेसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ आपसे ये पूछा गया है कि वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी, उत्तर दीजिएगा। आगे चलेंगे, देखिएगा हरियाणा के सुल्तानपुर नेशनल पार्क क्षमता की पहचान
किसके द्वारा की गई थी, उत्तर दीजिएगा। हरियाणा में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, उत्तर दीजिए। सभी आंसर देंगे कि हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, कालेसर है आपका या फिर आपका ये वाला नेशनल पार्क है, ठीक है भाई, सुल्तानपुर। तो आप सभी जानते हो कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसको जो पक्षी अभयारण्य बनाने का आवेदन सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो पीटर जैक्सन के द्वारा, ठीक है भाई। किनके द्वारा आ जाएगा आपका यहाँ पर, पीटर मिशेल जैक्सन जो आएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा क्या आंसर आएगा आपका, पीटर जैक्सन जो होगा बिल्कुल सही आंसर आएगा। इंदिरा गांधी जी को इनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था, आवेदन किया गया था इसे 1970 में किसे एक पक्षी अभयारण्य बनाया जाए, ठीक है भी, लेकिन मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है, उस समय पर स्वीकार नहीं किया गया था, ठीक है, उस समय पर ये आर्द्र भूमि का दर्जा इसे दिया गया 1972 में, 1972 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया जाता है और 1989 में नेशनल पार्क बनता है। तो 1972 में ये आपका बर्ड सेंचुरी बना, ठीक है, और 1989 में ये आपका क्या बना यहां पर, तो लिख लीजिएगा आप सभी 1989 में नेशनल पार्क, ठीक है, क्या बना ये आपका, नेशनल पार्क बनता है, लिख लीजिएगा। आगे चलेंगे, देखिएगा, हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, आंसर दीजिए। सभी आंसर देंगे क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। विक्रम जी कई महीनों बाद काहे क्लास में आए, रोज आया करो क्लास में, और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहे हो वो मेन चैनल एग्जामपुर पे हिंदी की क्लास लीजिए, बहुत ही शानदार क्लास हिंदी की आपको मिलेगी एग्जामपुर चैनल पर, मेन एग्जामपुर चैनल पर। आप सभी भी हिंदी की तैयारी के लिए जरूर क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्लास अभी भी आपकी चली हुई है लगभग, ठीक है, 9-10 हजार बच्चे अभी लाइव है जिस 5 मिनट के भीतर। तो आप लोग भी हिंदी के लिए यूपी पुलिस के अगर कोई भी तैयारी करना चाह रहा हो आपके घर में हो या आप लोग, तो आप जरूर क्लास को लीजिएगा। और पूछे आपसे, बताइए हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उसके विरोध में गांधी जी के द्वारा शुरुआत की जाती है 1920 में असहयोग आंदोलन की, हरियाणा में एक बैठक होती है आपके पानीपत में, ठीक है भी, इस बैठक का नेतृत्व लाला लाजपत राय जी के द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय जी का सामाजिक जो गतिविधियों का केंद्र रहा वो कौन सा रहा बेटा आपका, हिसार रहा, कौन सा केंद्र रहा आपका, हिसार जो है इनकी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र था, याद रखिए, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी, लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक कौन है जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, आपसे पूछा गया है, बताइएगा हरियाणा से पहली महिला कौन बनी थी जो कि किसी राज्य की राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुकी है। हरियाणा में उस पहली महिला का नाम बताइए जो विधानसभा की अध्यक्ष बनी, सभी कमेंट करके बताएंगे कि विधानसभा की अध्यक्ष हरियाणा से कौन महिला बनी थी, उत्तर दीजिएगा। यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन है, चंद्रकला और एक है आपका चंद्रावती, तो क्या आंसर देना आप सभी पसंद करेंगे, जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छे, सन्नो देवी, इसका भी आंसर सन्नो देवी, अरे तुम कभी डब्बा गोल बालक है। हरियाणा की पहली महिला विधायक थी ये, पुडुचेरी की राज्यपाल रही, कहां की आपकी, ठीक है भी, अच्छा मैं ही दिख रही हूं, क्वेश्चन ही दिख रहा है, ये लो मैडम हो जाती साइड में, अब देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप कहोगे चंद्रावती, ये पहली महिला विधायक भी रही, ठीक है भी, क्या रही आपकी पहली महिला विधायक, ये पुडुचेरी की राज्यपाल रही, सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, किसकी बेटा आपकी, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही आपकी, सन्नो देवी, ठीक है, लिख लेंगे आप सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए हरियाणा का, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला इनमें से किस नेशनल हाईवे के पास में है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताइएगा हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला जो आएगा आपका यहाँ पर, सभी आंसर दीजिएगा,
सभी आंसर देंगे, क्या होगा आपका राइट आंसर फटाफट बताइए। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे, सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा बेटा। सारे जने मिलकर क्लास ने एक बार कर दियो शेयर, ठीक है। चलिए देखिए, NH1 नेशनल हाईवे 1 जो होगा बिल्कुल सही आंसर आएगा, लिखेंगे आप सभी। कुरुक्षेत्र जिला जो है आपका नेशनल हाईवे 1 पर स्थित है, लिख लेना। पंडित श्री राम शर्मा जी ने हरियाणा के इनमें से किस साप्ताहिक समाचार पत्र को प्रकाशित किया है? श्री राम शर्मा जी के द्वारा, दिक्कत हो रही है बेटा, देखो हरियाणा एसआई का अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको बता देती हूँ, सिलेबस आपका इस प्रकार से है, आपके पेपर में आते हैं हरियाणा जीके, करंट अफेयर, ठीक है, नेशनल जीके, स्टैटिक जीके, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हरियाणा पुलिस एक्ट और हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट, आईपीसी की धाराएं, सीआरपीसी की धाराएं, ये आपका सिलेबस है आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा एसआई का, जिस बच्चे को नहीं पता। और ये पूरा सिलेबस आपको फाउंडेशन बैच में कराया जा रहा है, किसमें कराया जा रहा है बेटा, फाउंडेशन बैच, ये आपका ऑनलाइन बैच है, पेड बैच है, ठीक है, 999 रुपए में आपको मिलेगा। कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है इस नंबर पे आप सभी व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, ठीक है, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आप सभी का, सभी आंसर दीजिएगा, क्या आंसर आएगा, एनटीए के ऊपर डिपेंड करता है। आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया ना बेटा, अब ऑब्जेक्शन आपका एक्सेप्ट होता है रिजेक्ट होता है ये देखने वाली बात है ना। हरियाणा समाचार, हरियाणा तिलक, संवाद तिलक, या फिर ये सभी, क्या कहेंगे आप सभी? श्री राम शर्मा जी के द्वारा ठीक है, तो आप सभी कहोगे हरियाणा तिलक। 1923 में इसकी शुरुआत की गई थी, लिख लीजिएगा कब शुरुआत की गई है इसकी, 1923 में इसकी शुरुआत की गई थी, लिख लेंगे आप सभी। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है, उत्तर दीजिएगा, सभी आंसर देंगे कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि पृथ्वीराज चौहान से आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपसे तराइन का पहला बैटल पूछेगा, 1191 में आपका तराइन का पहला युद्ध हुआ था, ठीक है भी, तो आप कहोगे किस किस के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में तराइन का पहला युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी विजयी हुए और गोरी हार जाता है। 1192 में दूसरा युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और बेटा मोहम्मद गोरी के बीच में। दूसरे युद्ध में गोरी होमवर्क करके आया था, जीत जाएगा, और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द हरियाणा से भी और आपके सोर्सेज के हिसाब से भी। इनके युद्धों की जानकारी या फिर पूरी जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी है ये आपको पृथ्वीराज रासो में मिलेगी, और पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्र भरदाई के द्वारा की गई है। पृथ्वीराज चौहान जी को प्रेम हो गया था किससे, संयोगिता से, संयोगिता कौन थी, उत्तर दीजिएगा सभी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कौन थी संयोगिता। राव तुलाराम इनमें से किसके लिए जाने जाते हैं, उत्तर दीजिएगा कि राव तुलाराम इनमें से किस लिए जाने जाते हैं, राव तुलाराम का संबंध इनमें से किस चीज से है, उत्तर दीजिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा बेटा आपका राइट आंसर फटाफट से। राव तुलाराम जी का संबंध कहां से आएगा आपके, रेवाड़ी से आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसी ही जानकारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। और 1857 के विद्रोह के एक महत्वपूर्ण नेता रहे आपके राव तुलाराम, ठीक है भी, कहां के राव तुलाराम थे, लिख लीजिएगा, रेवाड़ी से संबंधित थे, नोट करेंगे आप सभी।
राष्ट्रीय राजमार्ग 10 हरियाणा में इनमें से किस जिले से नहीं गुजरता है? रोहतक, हिसार, सिरसा, जींद। रोहतक, हिसार, सिरसा, जींद। रोहतक एक मंडल है, हिसार भी एक मंडल है। हिसार मंडल में ये तीनों जिले आते हैं, हिसार, सिरसा, जींद, और एक जिला आता है आपका फतेहाबाद जिला। ये किसमें आते हैं? आपके हिसार मंडल में आते हैं। और रोहतक मंडल में बात करेंगे, रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी, भिवानी, ठीक है, ये जो है आपके किसमें आएंगे? रोहतक, झज्जर हो गया आपका, रोहतक मंडल में आएंगे। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे कि ए आंसर आएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डी आंसर दे रहे हैं, तो आप सभी लिख लीजिएगा, तुक्केबाज हो तुम। ए रोहतक जो आएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अपनी सीमा दिल्ली से साझा करता है? बताइएगा, हरियाणा के किस जिले की सीमा दिल्ली से लगती है, ये आपको बताना है, उत्तर दीजिए। सभी आंसर देंगे, क्या होगा आपका राइट आंसर? ठीक है भाई, तो देखिएगा आप सभी। अरे 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 अरे, हमने तो हरियाणा का मैप भी लगा, तो मैप कहाँ गया? मैप गायब, मम क्लास से गायब हो गया, फिनिश हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली से किन किन जिलों की सीमा आपकी लगती है। दिल्ली ने हरियाणा को तीन तरफ से घेरा हुआ है सिवाय एक तरफ के, तो तीन तरफ का मतलब है कि दिल्ली ने इस पूर्व दिशा को छोड़कर, ठीक है भाई, पूर्व दिशा को छोड़कर बाकी तीनों तरफ से दिल्ली किससे घिरी हुई है? हरियाणा से। ठीक है भाई, यहां पर आपको मिलेगा सोनीपत जिला। कौन सा जिला मिलेगा बेटा? सोनीपत। इधर आपका झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद। ठीक है भाई, यहां पर है आपका झज्जर, झज्जर, ये है आपका गुरुग्राम, और ये है बेटा आपका फरीदाबाद। तो ये वो जिले हैं जिनसे हमारी राजधानी देश की दिल्ली से, यूनियन टेरिटरी दिल्ली से सीमा लगती है। तो लिखा यहां पर बताइए कि कौन सा जिला सीमा साझा करता है? ओनली झज्जर करता है, रेवाड़ी, नू, पानीपत सीमा साझा नहीं करते हैं। साथ ही साथ लिख लीजिएगा आप सभी, झज्जर में एक स्थान आता है आपका बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ को हरियाणा का गेटवे कहा जाता है। हरियाणा का क्या कहा जाता है आपका? हरियाणा का गेटवे किसे कहा जाता है आपके यहाँ पर? झज्जर को कहा जाता है, लिखेंगे आप सभी। ठीक है, आगे चलेंगे, देखिएगा पूछा गया हरियाणा में, हरियाणा में हिसार ए फिरोजा क्या है? उत्तर दीजिएगा, आपको बताना है कि हरियाणा में हिसार ए फिरोजा क्या है? उत्तर दीजिए, सभी आंसर देंगे, क्या होगा आपका राइट आंसर? तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने ये देखा कि काफी सारे एग्जाम में पूछा गया, मतलब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और काफी सारे एग्जाम में यहां से प्रश्न परीक्षा में प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते भाई? इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और बहुत ही अच्छी क्लास चली हुई है, हिंदी वाली क्लास। ठीक है, तो जब ये क्लास खत्म होगी आप सभी को मेरी तरफ से काम करना होगा। ठीक है, सभी बच्चों को क्या करना होगा मैं बताऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी जिन पर भाई देख रहे हो YouTube तुम, क्या अभी उस पे ओपन हो जाएगा, फिर दिखाते। हिसार ए फिर हो जा, हिसार, हिसार का मतलब होता है फोर्ट। अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है किला। किस भाषा का? अरबी भाषा का, जिसका मतलब होता है किला। किला यानी कि फोर्ट, किला मतलब कि फोर्ट। 1354 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापना की गई थी। हिसार में गुजरी महल भी है, लिख लीजिएगा, चार गेट भी है। ठीक है, चारों गेटों के नाम बता दो। हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट भी आपका हिसार में है। कहां पर है आपका हिसार में? मेडी सिटी कहां पर बनेगी? तो मेडी सिटी आपके हिसार में बनेगी, याद रखिएगा। कहां पर बनेगी आपके हिसार में? विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए इनमें से हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? भाई परमानंद, ईश्वर चंद्र पांडे, लीलाधर दुखी, जसवंत सिंह। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा, क्या होगा आपका राइट आंसर? 31 क्या 30 तारीख से पहले एक 4 घंटे की हरियाणा जीके की मैराथन क्लास में लेकर के आऊंगी। ठीक है, आप सभी जरूर देखिएगा। और ये हिंदी की क्लास देखो, इसमें आपको 13,000 बच्चे आपके लाइव है,
तो जब अपनी क्लास खत्म होगी ना हरियाणा जीके वाली, आप सभी हिंदी के रिवीजन के लिए इस वाली क्लास में चले जाना, ठीक है। बहुत ही अच्छी क्लास है, शानदार क्लास। और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका भाई परमानंद। क्या आंसर आ जाएगा? भाई परमानंद जो होगा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। विनोबा भावे का संबंध किससे है बेटा? आपका भूदान आंदोलन से है। किससे है? आपके भूदान आंदोलन से है, याद रखेंगे आप सभी। आगे चलिएगा। हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? उत्तर दीजिएगा। मारकंडा नदी में होता है, दोहन में होता है, कृष्णावती में होता है, या यमुना नदी में होता है? बताइए। रोहित इतनी जल्दी भी ना सही थी कि हिंदी क्लास में चला जाइए, हरियाणा जी के पढ़ के फिर चले जाना है। अरे आज मैराथन क्लास नहीं है, ठीक है, आज तो नॉर्मल क्लास है। मैराथन क्लास लूंगी दो दिन बाद, ठीक है, मतलब कल 25 से 26 27 तारीख में लेंगे हम मैराथन क्लास, ठीक है। फिर एक क्लास लेंगे हम 29 को, मैराथन क्लास चार चार घंटे की, मेरे हिसाब से 8 घंटे की मैराथन क्लास में। हरियाणा जीके तो तुम्हारी साफ है, हरियाणा जीके क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। चलो तो यहां पे आप कहोगे कि देखिएगा, यमुना जो आएगा आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। हरियाणा राज्य की सदा नीरा नदी, सदा बहार नदी, बारामासी नदी, यमुना नदी, मारकंडा नदी का पुराना नाम परीक्षा में पूछेगा अरुणा है। क्या है बेटा आपका? मारकंडा नदी का पुराना नाम आपका अरुणा है, लिख लीजिएगा। हरियाणा के इनमें से, हरियाणा का इनमें से कौन सा जिला चरखी दादरे के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आपको ये बताना है कि कौन सा जिला चरखी दादरी से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ये बताइए। सभी आंसर देंगे कि चरखी दादरी से किस जिले की सीमा नहीं लगती है, उत्तर दीजिएगा। तो आप सभी कहेंगे क्या भिवाड़ी से लगती है? हाँ जी लगती है, आपकी 100% लगती है। क्या रोहतक से लगती है? हाँ जी लगती है आपकी, ठीक है। जज्जर से आपकी सीमा लगती है क्या? बिल्कुल लगेगी। रेवाड़ी से भी लगेगी आपकी, और बच्चे आपकी महेंद्रगढ़ से भी सीमा लगती है। हिसार से सीमा आपकी नहीं लगती है, लिख लीजिएगा। बी जो आएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो ये तो अगर आप नॉर्मल हरियाणा के बच्चे हो, नॉर्मल बच्चे हरियाणा के, मतलब अगर आप हरियाणा के कति देसी बालक, हरियाणा में रहे, हरियाणा में पले बड़े, तो हरियाणा का जिले का पता होगा आपको कि किस जिले की सीमा किससे लग जाती है ना। बहुत ही सुंदर भाई, लाइक भी कर दिया करो क्लास को, ठीक है। चलिए देखो, चरखी दादरी की सीमा किस किस से लगेगी? भिवाड़ी से लगेगी, रोहतक से लगेगी, जज्जर से लगेगी, महेंद्रगढ़ से लगेगी, ठीक है। इनसे लगेगी, क्या दिक्कत है, ठीक है, इनसे सीमा लगती है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलिएगा। 1918 में पंजाब सरकार ने नई राजधानी बनाने के लिए, ठीक है भाई, सही तो लिखा है, यहां पर मैं रेवाड़ी लगा दिया, चिपका दिया, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। तो भिवाड़ी हो गया, जज्जर हो गया, रोहतक हो गया, और आपका महेंद्रगढ़ हो गया, है ना, महेंद्रगढ़। अभी मैप ना इसमें आ नहीं पाया, नहीं तो आपको क्लियरिटी मिल जाती, ठीक है। 1918 में पंजाब सरकार ने नई राजधानी बनाने के लिए, देखो क्या हुआ था कि 1918 में, ठीक है भाई, 1918 में जो पंजाबी प्रांत था, पंजाबी प्रांत की एक नई राजधानी का गठन करना था, ठीक है भाई। क्या करना था? अभी नई राजधानी आपकी बनानी थी, तो नई राजधानी के लिए जिसकी आवश्यकता थी, एक भूमि जो है आपकी दी गई थी, ठीक है, कि भाई यहां पर इस स्थान को आप क्या बना सकते हो, यानी कि चंडीगढ़ है आपका, चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ उस समय पर हरियाणा के किस जिले का भाग था, ये आपको बताना है कि 1918 की अगर हम बात करें, उस समय पर चंडीगढ़, बताइएगा, हरियाणा के किस जिले का हिस्सा था? तो ये आप लोगों ने लगभग सभी ने सी आंसर दिया है, पटियाला आंसर दिया है लगभग काफी सारे बच्चों ने, पर अंबाला इसका राइट आंसर है, लिख लीजिएगा। ये किसका हिस्सा था बेटा? आपके अंबाला का हिस्सा था, लिख लेना। डी जो आएगा आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। पंजाब और हरियाणा की वर्तमान में अगर हम राजधानी की बात करेंगे,
तो क्या है आपकी? चंडीगढ़ है। पंजाब चंडीगढ़ को डैश को प्रतिस्थापित करने के लिए नई राजधानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया था। ठीक है भाई, सभी आंसर दीजिएगा, क्या होगा आपका राइट आंसर? वेरी वेरी गुड। हाँ, हरियाणा पुलिस के लिए बिल्कुल आपको अलग से सिलेबस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको बिल्कुल। राकेश जी, बिल्कुल आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा बेटा, हरियाणा में काफी सारी चीजें आती है जो कि आपको अलग से कवर करनी होगी। ठीक है, जो कि आपको करनी पड़ेगी वो अलग से। ठीक है, मूल विधि के अलावा भी आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर कवर करनी होंगी बेटा। ठीक है भाई, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा लाहौर। ठीक है भाई, क्या आंसर आ जाएगा आपका? लाहौर जो होगा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। महाभारत के पौराणिक दंत कथाओं के अनुसार ब्रह्म सरोवर का संबंध इनमें से किस घटना के साथ है? बताइए, मैं साइड हो जाती, आप लोग पढ़िए और आंसर दीजिए, बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो आप सभी कहेंगे कि देखिएगा, भीम यहां से सुगंधित पुष्प लेकर के आया, दुर्योधन ने जल में छिपने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, अर्जुन को यहां तपस्या करने के बाद ब्रह्मा से ये वरदान मिला था, तो आपके हिसाब से प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? बताइए, सभी आंसर दीजिएगा, क्या आंसर आ जाएगा? तो आप कहोगे दुर्योधन वाला ऑप्शन इज राइट, दुर्योधन ने जल में छिपने के लिए इस्तेमाल किया था, लिख लेना। ठीक है, 1947 के विभाजन के बाद भारतीय राज्य पंजाब के पहले, ठीक है भाई, मुख्यमंत्री कौन थे? अब आपसे ये नहीं पूछा हरियाणा के पहले सीएम कौन थे, आपको बताना है कि पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। भाई आप सभी जानते हो हरियाणा का गठन पंजाब से अलग करके किया गया था भाषा के आधार पर। तो सभी आंसर दे दीजिएगा, क्या आएगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताइए बच्चे। सभी आंसर देंगे यहाँ पर, क्या आंसर आना चाहिए आप सभी का, जल्दी से बताइए भाई। सेशन को शेयर कर दो, ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा आप लोग, एक बार सभी क्लास को अच्छे से शेयर कर दीजिएगा। तो आप सभी कहेंगे यहाँ पर कि गोपी चंद भार्गव। ठीक है भाई, बी जो आएगा आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है भाई, पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, याद रखेगा। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा इनमें से किस वर्ष में की गई थी? बताइएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? सभी आंसर देंगे, क्या होगा आपका राइट आंसर? तो आप कहोगे कि 1953, बीच आएगा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। इनमें से कौन सा स्थान पहले सरफाबाद के नाम से जाना जाता था? आपको बताना कि इनमें से किस स्थान का पुराना नाम सरफाबाद है, उत्तर दीजिएगा। सभी को आंसर देना है, बताइए। मुसाफिर, वेरी गुड। कबीर सिंह, अर्जुन सिंह, भिवानी वाले, ओके, आंसर दीजिए फटाफट से। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, अभी तो और सुंदर सुंदर क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मतलब और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप लोग अच्छे से आंसर दीजिए, थोड़ा सा तो आपको लगेगा आगे आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो फिर आप बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है आपका? सरफाबाद आ जाएगा। ठीक है भाई, बहादुरगढ़ का जो पुराना नाम है बच्चे वो क्या है आपका? सरफाबाद। तो आप सभी क्या लिखेंगे? बहादुरगढ़ का पुराना नाम बच्चे आपका सरफाबाद आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आप सभी लिखेगा यहां पर
दूसरे नंबर पे आप सभी लिखेंगे पेहोवा का पुराना नाम क्या है, तो पेहोवा का नाम है पृथुद। सफीदों का पुराना नाम क्या है, सर्फ दमन। ठीक है भाई, मुस्तफाबाद किसका पुराना नाम है, सरस्वती नगर का। किसका पुराना नाम है भाई, सरस्वती नगर का पुराना नाम क्या आ जाएगा आपका, मुस्तफाबाद आ जाएगा। तो यहाँ पे बहादुरगढ़ सरफाबाद। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है आपका, कन्नौड है। यहाँ पर देखिएगा, बताइए कि पंजाब सरकार ने किस वर्ष हरियाणा विकास समिति की स्थापना की, अधिसूचना जारी की थी, उत्तर दीजिएगा। बड़ा ही यूनिक और अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया था। स्टेनोटाइपिस्ट का जो एग्जाम होता है ना आपका, उस परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। सभी को आंसर देना है भाई, क्या आएगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उत्तर दीजिए आप सभी। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, आप क्लास से भाग के जाओगे क्वेश्चन देख के, तो कैसे काम चलेगा। सब हिंदी क्लास में चले गए है, सारे जने हिंदी क्लास में चले गए, मेरी क्लास छोड़ दी थमने, इतना इतना भी डेडिकेशन दिखाने के नहीं गई थी। एक घंटा तो मेरी क्लास देख लेते आप लोग। चलिए आंसर आ जाएगा 1961 में किया गया था, लिख लीजिएगा ऑफिशियल आंसर के हिसाब से आंसर है। आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि इनमें से कौन सी एक कहानी है जिसका नाम है रोटी तंत्र। आपको बताना है कि रोटी तंत्र के लेखक कौन है, उत्तर दीजिएगा। ठीक है भाई, रोटी तंत्र के लेखक कौन है, ये आपको आंसर देना है, उत्तर दीजिए, क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, सभी आंसर देंगे कि रोटी तंत्र के लेखक कौन है, मदन लाल शर्मा, राजेंद्र स्वरूप वत्स, विवेक निहावन, ठीक है, सुशील राजेश। सभी आंसर दीजिएगा, क्या आंसर आएगा, पढ़ा हो तो आंसर दो। वेरी गुड, तुम मुझसे ऐसी बातें मत किया करो ना, जब मैंने आपको बोल दिया कि आंसर ये है तो फिर आंसर वही है बेटा। अब आपको प्रूफ चाहिए तो चलो आपको प्रूफ भी दिखा देते हैं। हरियाणा एसएससी के द्वारा ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर दिया गया है वही माना जाएगा, ठीक है, वही माना जाएगा, याद रखिएगा, जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर। सही बता रही हूं मैं, 1960 ने 1961 दिया गया है, 1961 ही याद कीजिए। और यहां पे आप सभी कहोगे सुशील राजेश जी, आपका राइट आंसर आएगा, लिख लीजिएगा, क्या आंसर आ जाएगा, सुशील राजेश जी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, क्या आंसर आ जाएगा आपका, सुशील राजेश जी आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा, लिखेगा। वैशाली सुंदरी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, वैशाली सुंदरी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, आंसर दीजिएगा। सभी आंसर देंगे, क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, 1961 की है आपका आंसर। ठीक है, आप सभी को दिख जाएगा अभी अभी, इसका आंसर दीजिएगा। वैशाली सुंदरी के बारे में आपसे पूछा गया है, सभी आंसर देंगे, क्या आंसर आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तुमने पढ़ा नहीं होगा आज से पहले, हरियाणा जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, अभी दिखा दूंगी कि पेपर में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा इंदिरा स्वप्न, ठीक है भी, स्वप्न आंसर आएगा, लिख लीजिएगा। इंदिरा स्वप्न जी के द्वारा रचना जो है आपकी की गई, इनमें से कौन समुद्र का संसार पुस्तक के लेखक है, बताइएगा, जिसे पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी इन्हीं को मिला है, याद रखिएगा। ठीक है भी, कौन सा पुरस्कार, पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी इन्हीं को मिला था, याद रखेंगे आप सभी। तो ये है हमारी रो फाइल, ठीक है, जिससे हम आपके क्वेश्चन तैयार करते हैं, देखो सारे प्रीवियस ईयर होते हैं, ठीक है, तो ये एक एक पेपर में से निकाल निकाल के इकट्ठा करना कि कोई क्वेश्चन स्किप ना हो जाए, मेहनत तो बहुत करती हूँ, ठीक है, तुम मानते ही नहीं हो तो क्या करें। सेशन को शेयर कर दो एक बार, सभी एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो। देखो ये रहा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गैजेटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हरियाणा विकास समिति इन विच ईयर, तो इसके हिसाब से 1961 आंसर देखिए, ठीक है, क्या आंसर दे देंगे इसके हिसाब से 1961। फिर भी अगर डाउट होता है, ठीक है भाई, फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।
तो ये सारे के सारे स्टेनोग्राफर के एग्जाम के क्वेश्चन है, स्टेनोटाइपिस्ट वाले के, ठीक है। ये ऑनलाइन पेपर हुआ था तो इसके आंसर की दी गई है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अशोक भाटिया जी। क्या आंसर आएगा आपका? अशोक भाटिया जी जो होगा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, लिख लीजिए, ठीक है भाई। क्या आंसर आएगा आपका? अशोक भाटिया जी, ठीक है बच्चे। आगे चलेंगे, देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है आप सभी का वो ये है कि हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को भारत के रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और रेल मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है, बताइएगा किसे प्राप्त है, उत्तर दीजिएगा, ठीक है भाई। सभी आंसर देंगे क्या होगा आपका राइट आंसर? आप सभी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए आप सभी फाउंडेशन बैच से जुड़ जाइएगा। फाउंडेशन बैच पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। आप सभी 999 में बैच से जुड़ सकते हो, बहुत ही अच्छा बैच है, कंप्लीट बैच आपको मिलने वाला है, तो सभी जरूर ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो आएगा भजनलाल, बनारसी दास गुप्ता, चौधरी बंसीलाल और आपके लिखा है देवीलाल जी, ठीक है भाई। सता ने लिखा है उसको आप थोड़ा सा वो कर दीजिएगा। अब आंसर देंगे तो आप कहोगे बंसीलाल जी। क्या आंसर आ जाएगा? बंसीलाल। भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में किसके द्वारा कार्य किया गया है? तो उप प्रधानमंत्री रहे हैं आपके देवीलाल जी। उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं आपके? देवीलाल जी रहे हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत बताइएगा कि न्यूनतम जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा का गठन करना आवश्यक है, ठीक है भाई। ग्राम सभा के गठन के लिए मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? सभी आंसर देंगे कि ग्राम सभा के गठन के लिए जो मिनिमम पॉपुलेशन है बच्चे वो कितनी होनी चाहिए, आंसर दीजिएगा। तो हमारे पंचायती राज में, ठीक है, जो हमारा पंचायती राज प्रणाली लागू है, ये कितने स्तरीय पंचायती राज प्रणाली है बेटा? तो आप सभी कहोगे कि मैं 3 स्तरीय, ठीक है भाई, 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली हमारे यहाँ पर लागू है, जिसमें आपका जो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इस प्रकार से 3 लेवल 3-tier सिस्टम है आपका। और सबसे उच्च जो है आपका वो है आपका ग्राम पंचायत, आपका जिला परिषद, सबसे निम्न स्तर होता है आपका ग्राम पंचायत। 500 जनसंख्या आपकी कम से कम होनी चाहिए। जिला स्तर की पंचायत को किस रूप में जाना जाता है बताइएगा? जिला स्तर की पंचायत को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, उत्तर दीजिए। सभी आंसर देंगे, क्या होगा आपका राइट आंसर? जिला स्तर की पंचायत को किस रूप में भी जाना जाता है बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। सभी आंसर देंगे फटाफट। ग्राम पंचायत, ठीक है भाई, आंचलिक पंचायत, जिला परिषद और आपका ग्राम सभा। तो ये आपका जो जिला स्तर पर होता है ये होता है आपका जिला परिषद, ठीक है भाई, जिला परिषद होता, लिख लेना। हरियाणा के पंचकुला में कौन सा बांध स्थित है बताइएगा, ठीक है। हरियाणा के पंचकुला में कौन सा बांध है बताइए? मसानी बांध कहाँ पर है, उत्तर दीजिएगा। सभी आंसर देंगे कि मसानी बांध कहाँ पर है, उत्तर दीजिए, बताइए मसानी बांध कहाँ पर है, उत्तर दीजिएगा। तो आप सभी कहोगे कौशल्या बांध जो होगा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, लिख लेना। क्या आंसर आएगा आपका? कौशल्या बांध जो होगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। हरियाणा विधानसभा में डैश विधानसभा सदस्य होते हैं, क्लास लाइव करना आता है यूट्यूब पे, पता नहीं कर देना, नो मैंने लेट करवा ली सर की, अच्छी चल रही है, ठीक है आप, ठीक है। हरियाणा विधानसभा में डैश विधानसभा सदस्य होते हैं जो सीधे एकल निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। आपको आंसर देना है कि कितने सदस्य होते हैं बताइए, आपको आंसर देना है कि कितने सदस्य होते हैं, उत्तर दीजिए। 80, 90, 70 और 60। तो 90 सदस्य होते हैं, लिख लीजिएगा। 90 होते हैं, बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, लिखेंगे आप सभी। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 90 सदस्य होते हैं, लिख लीजिएगा। मसानी बांध रेवाड़ी में आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा आपके? रेवाड़ी में।
ठीक है, और यहाँ पे कौशल्या बंद आंसर आएगा, वेरी नाइस। 17 जो होते हैं आपके मनोनीत होते हैं, याद रखिएगा। 70 मेंबर्स क्या होते हैं आपके, मनोनीत सदस्य होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा के किस हवाई अड्डे का उपयोग राजीव गांधी नेशनल सेंटर के द्वारा एयरोस्पोर्ट्स के लिए किया जाता है, ठीक है भाई, सभी आंसर देंगे। किस हवाई अड्डे का प्रयोग जो है आपका किया जाता है, आंसर दीजिए क्या आंसर होगा। मेरा तो कतई आज वाले स्टूडियो में रूप परिवर्तन हो गया, ऐसे तो मैं हो भी नहीं जैसे दिख रही हूं, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपको अच्छा दिखना चाहिए। आंसर तो क्या होगा आपका राइट आंसर, फटाफट सभी आंसर दीजिएगा, सभी आंसर दीजिए। तो आप कहेंगे कि नारनौल एयरपोर्ट, ठीक है भाई, किसका प्रयोग किया जाता है एयरोस्पोर्ट्स के लिए, नारनौल एयरपोर्ट का प्रयोग जो है यहां पर किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है लिख लीजिएगा। बहुत पैसे लेते हैं स्काई डाइविंग का, है को करनी है नारनौल एयरपोर्ट, राइट आंसर। हरियाणा में कितने हवाई अड्डे हैं बताइएगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द आंसर की अगर आप आंसर देंगे तो क्या आंसर होगा, आपको बताना है एयरपोर्ट कितने हैं आपके हरियाणा में। तो मैं चाहती हूँ आप सभी आंसर दें, 4 है, 5 है, 6 है, कितने हैं, तो यहाँ पे आंसर की में 6 आंसर दिया गया है, लिख लीजिएगा क्या दिया गया है आपका, 6 आंसर दिया गया है। हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार किसे माना जाता है बताइएगा, हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार कौन है उत्तर दीजिए, सभी आंसर देंगे। सिद्ध चौरंगी नाथ, सिद्ध योगराज पूर्णनाथ, बाण भट्ट या फिर नाथ संप्रदाय, ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं कि बच्चे हमारे ऐसे ही आंसर दे देंगे, क्या आंसर ये है, क्लियर कट उत्तर है इनमें, किसका उत्तर है क्लियर कट, तो लिख लेना सिद्ध चौरंगी नाथ जो आएगा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, लिखेंगे आप सब क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर, सिद्ध चौरंगी नाथ जो होगा बिल्कुल सही आंसर आएगा। हरियाणा से प्रकाशित पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था उत्तर लीजिएगा, सभी को आंसर देना है कि हरियाणा से प्रकाशित पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था उत्तर दीजिए, सभी बताएंगे हरियाणा से प्रकाशित पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र, हरियाणा तिलक, हरी भूमि, हरियाणा या जाट समाचार पत्र, तो आप सभी कहोगे कि हरी भूमि, कौन सा था आपका, हरी भूमि था, लिख लीजिएगा। एक जैन प्रकाश समाचार पत्र रहा हरियाणा का, जिसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, जियालाल जैन जी के द्वारा की गई थी, ठीक है भाई, किसके द्वारा की गई थी, जियालाल जैन जी के द्वारा। हरियाणा सरकार ने अपनी वन नीति किस वर्ष में तैयार की थी बताइएगा, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा अपनी वन नीति कब तैयार की गई, यह आपको बताना है, उत्तर दीजिए। तो देखिएगा अगर हम बात करेंगे इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी का, सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में यानी कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय वन नीति है वो कब तैयार हुई थी, हमारी राष्ट्रीय वन नीति कब तैयार हुई, यह आपको बताना है। दूसरा आप मुझे ये बताएंगे, यहाँ पे आंसर आएगा 2006 में, ठीक है, 20% क्या आता है आपका फॉरेस्ट, कम से कम 20% हिस्से पर हरियाणा में क्या होने चाहिए, हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के 20% हिस्से पर हरियाणा में वन होने चाहिए हरियाणा राज्य के वन नीति के अनुसार। तो आप कितने वन लगाते हैं, आप कितने वृक्ष लगाते हैं, कितने वृक्षों की रक्षा करते हैं, कितने आपने पेड़ लगाए, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा भारत की फॉरेस्ट 1988 आंसर देते हो 33% हिस्से पर वन होने चाहिए, इंडिया फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से 33% हिस्से पर वन होने चाहिए, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है बताइए, किसकी दृष्टि से पूछा है आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा गया है, आंसर दीजिए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, सभी को आंसर देना है, जल्दी से आंसर दो, कमेंट करके बताइए कि हरियाणा में कितने वन्य जीव अभयारण्य है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि हरियाणा में कितने वन्य जीव अभयारण्य है बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हरियाणा में
वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है बताइएगा, जल्दी से बताइए। हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर, ठीक है एग्जामपुर। तो ये आपका फाउंडेशन बैच है जिससे जुड़ के आप सभी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल हरियाणा एसआई की अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो सभी जरूर इस बैच से जुड़िए, कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर बता रही हूँ, उस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 8920100937, ठीक है भाई। जेन्युइन मैसेज करना, बातचीत यहाँ पे नहीं करनी, हाय हेलो हाउ आर यू, प्रॉब्लम बताइएगा जो भी प्रॉब्लम हो। फुल सिलेबस आपका कवर होगा बैच में, पूरा का पूरा सिलेबस आपको इस बैच में कराया जाएगा, ठीक है। रनिंग बैच है आपका, चल रही है इसमें क्लासेस, चली हुई है आपकी क्लासेस। बैच के लिए आपको एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, वहां से आप सभी जो क्लासेज अपनी ले सकते हैं। और अभी आपको क्या करना है इस हिंदी वाले क्लास में, ठीक है, एग्जामपुर चैनल पर हिंदी की क्लास है, 15,000 बच्चे आपके लाइव है, आप सभी भी जाइए और जाकर के क्लास में जुड़ जाइए और कमेंट भी कर देना कि हरियाणा वाले हो तो, ठीक है, कि हरियाणा एग्जामपुर के बच्चे हो, कमेंट भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप सभी जाइए और इस 15,000 को शेयर कर देना, और ये अभी 16,000 दिखना चाहिए थोड़ी देर में। आज की क्लास छोटी थी, अच्छी थी, बढ़िया थी। कल जो क्लास लेंगे वो नॉर्मल क्लास होगी जैसे डेली होती, परसों आपकी मैराथन क्लास होगी, ठीक है, सॉरी 27 को आपकी मैराथन क्लास, फिर आपकी 29 को मैराथन क्लास है, 4-4 घंटे की मैराथन क्लास रखेंगे, तो सभी अच्छे से लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो इस वाले क्लास में आप हिंदी वाले क्लास में जाइए, सर अच्छे से आपको पढ़ाए होंगे हिंदी, आप भी उसमें हिंदी पढ़िए। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।